22 જાન્યુઆરી અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની તડામાર તૈયારી ચાલી રહી છે ત્યારે રામાનંદી સંપ્રદાયમાં પણ ખુશીની લહેર છે। આ અંગે ઝી મીડિયાએ રામાનંદી સંપ્રદાયના સંત જગતગુરુ રામ દિનેશાચાર્યજી સાથે ખાસ વાતચીત કરી જેમાં તેમણે કહ્યું કે રામ મંદિરની જવાબદારી કેવી રીતે રામાનંદી સંપ્રદાયની ઉપર હશે। અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં પૂજા અને ધાર્મિક અનુષ્ઠાન ચલાવવાનું કામ રામાનંદી સંપ્રદાય કરશે। રામાનંદી સંપ્રદાય વૈષ્ણવોનો એક મોટો સંપ્રદાય છે અને વૈરાગ્યોના ચાર પ્રાચીન સંપ્રદાયમાંથી એક છે। આ સંપ્રદાય રામની ભક્તિ કરે છે। રામાનંદી સંપ્રદાયના લોકો મુખ્ય રીતે રામ, સીતા અને હનુમાનજીની સાથે સીધા વિષ્ણુ અને તેમના અન્ય અવતારોની પૂજા પર ભાર મૂકે છે। અયોધ્યા ભગવાન રામની જન્મભૂમિ છે, આથી ત્યાં મોટાભાગના મંદિરોમાં આ પૂજા પદ્ધતિનું પાલન કરવામાં આવે છે। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब वक्त करीब आ रहा है और इस बीच रामानंदी जो परंपरा है और जो है उनको पूजा करने की जो जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ जगतगुरु दिनेशाचार्य जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ ये जिम्मेदारियां हैं और क्या इसका पूरा जो है पूरा पूर्व में इतिहास रहा है। देखिए, हमारे यहाँ तीन प्रकार के पूजा की पद्धति है, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं वैष्णव कहलाते हैं, जो शक्ति की पूजा करते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। भगवान श्री राम वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, इष्ट देव हैं और हमारे यहाँ इष्ट देवता परमात्मा राम जी को ही माना जाता है। और लगभग 600 वर्ष पूर्व रामानंदाचार्य जी भगवान प्रयाग की पावन धारा पर उत्पन्न हुए और उन्होंने ही रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया और उन्होंने एक नारा दिया, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मतः। उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ने का कार्य रामानंदाचार्य स्वामी ने किया, जहाँ इष्ट देव भगवान श्री राम होते हैं। और हमारा जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, तो उस विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले लोग वैष्णव कहलाते हैं, रामानंदी साधु कहलाते हैं। उनके गले में कंठी होता है और मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर के अनुसार हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसमें भगवान की उपासना पद्धति बड़ी ही विधिवत रूप से स्थापित की गई है। उसी उपासना पद्धति को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि में विराजमान होने वाले भगवान श्री रामला के प्रतिष्ठा के बाद जो पूजा होगी, तो पुजारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो रामानंदीय परंपरा के अनुसार ही दिया जा रहा है। और उस परंपरा के अनुसार जब वो शिष्य तैयार होंगे तो वो भगवान श्री राम की अर्चन, पूजन और वंदन करेंगे। यही रामानंद संप्रदाय के अनुसार भगवान श्री राम की पूजा और उपासना होने वाली है। जो रामानंदी परंपरा होती है जिसमें अनुष्ठान होते हैं, उसमें पूजा का कुछ विशेष अलग जो है ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, निश्चित रूप से सबके पूजा के अपने अपने विधान होते हैं। ऐसे भी रामानंदाचार्य भगवान ने जो पूजा के विधान कहे हैं उनका भी विधान है। प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक भय प्रगट कृपाला से लेकर के श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम तक उनको स्नान कराना, भोग लगाना, आरती करना और फिर नैवेद्य चढ़ाना, उन्हें संगीत सुनाना, ये जो एक आह्लाद और आनंद के साथ परमात्मा में तादात्म्य स्थापित करने का भाव है उन